में इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा हमारे दरमियान, हमारे शहर की बहुत बड़ी अजीम गुलकार। मैं तशरीफ फरमा तमाम एक कीमती सरपरस्त जिन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर हमारे आवास पर लब्बैक कहा और तशरीफ लाए और इस बज्म में रोशनी फैलाई, इसको चार चंद लगाया है। मैं सबसे पहले आप तमाम का अपनी बेटियों को घर के कामों में मसरूफ रखा करे, उसे किचन की जिम्मेदारियाँ कैसे माएं उठाती हैं वो समझाए। माँ अल्लाह के रसूल का तरीका भी देखिए आप क्या था। अल्लाह के रसूल जब भी बात करते तो लोगों से पूछते हो क्या तुम जानते हो, तो साहबा कहते थे कि नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया करते थे। पिछले 24 साल से तलबा में यही बात कह रहा हूँ कि इल्म एक है, अल्लाह एक, रसूल एक, दीन एक, कुरान एक, इल्म भी एक है। हमारे हम सब दोनों तरह के इल्म हासिल करेंगे, जन्नत के हुसूल के लिए दीन का इल्म हासिल करेंगे और दुनिया के तकाजों की तकमील के लिए दुनियावी उलूम को हासिल करेंगे। इल्म को बांटना नहीं है। मैं देखा मस्जिदों के बाहर जो चबूतरे हैं वहाँ पर मोबाइल लेकर बच्चे जो दो दो तीन तीन बजे तक बैठे हुए हैं, उसका क्या होगा? मैं कुछ एक बात आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ या रखना चाह रहा हूँ, बहुत दिनों से मेरे दिल में वो खेल रही है बात कि मैं आपके सामने रखूँ। अक्सर मैं मेरे स्टाफ के सामने मेरे दोस्त ज़हर एहतमाम जारी इदारा स्कूल मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल वो जूनियर साइंस कॉलेज में आज जो है तो शिक्षक पालक मेड़ावा रखा हुआ है, सरप्रस्त और असातिज़ा की मीटिंग। सरप्रस्त जो हमारे लिए यहाँ पहुँच चुके हैं बहुत कीमती है, 10 मिनट में इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा हमारे दरमियान हमारे शहर की बहुत बड़ी अजीम गुलकार और जामा मस्जिद के मौज़्ज़म साहब खुर्रम भाई सैयद सलाहुद्दीन खुर्रम हमारे दरमियान मौजूद है और हमारे सिल्लोड के मायानाज शायर सैयद अब्बास अली हुरर सिल्लोड़ी इनकी कोई नात खूबसूरत नात वो पेश करेंगे, इसी में उम्मीद करता हूँ। सैयद सलाहुद्दीन खुर्रम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ आए और एक कोई खूबसूरत नातिया कलाम हमें हमारे सामाइन के लिए पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। नात से पहले हुरर सिल्लोड़ी के चंद अशआर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सर तेरे दर पे झुकाने के लिए जिंदा हूँ, सर तेरे दर पे झुकाने के लिए जिंदा हूँ, फर्ज का कर्ज चुकाने के लिए जिंदा हूँ, खिदमत खल्क का जज्बा है मेरे सीने में, खिदमत खल्क का जज्बा है मेरे सीने में, काम मखलूक के आने के लिए जिंदा हूँ। अब दिखावे के लिए हाथ मिलाने वाले, अब दिखावे के लिए हाथ मिलाने वाले, मैं गले तुझको लगाने के लिए जिंदा हूँ। अमीन भाई तोजे चाहूंगा काबे में मुझको हज की सादत हुई, काबे में मुझको हज की सादत हुई अता, अल्लाह रबी मिला अल्लाह भी मिला मे मुहम्मद के शहर में, अल्लाह भी मिला मुहम्मद के शहर में, नूरे मुहम्मद मेरे सीने नूरे मुहम्मदी मेरे सीने में आ गया, दिल आईना बना है, दिल आईना बना है मुहम्मद के शहर में, खुल्दे बरी की उसको तमन्ना नहीं रही, खुल्दे बरी की उसको तमन्ना नहीं रही, जो दफन हो गया जो दफन हो गया मुहम्मद के
शहर में क्या शान की बुढ़िया मकार है कुर्बान क्यों न जाओ तसव्वुर के हुनर कुर्बान क्यों न जाओ तसव्वुर के हुनर मुझको लिए चला है मुझको लिए चला है मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में चंद ही लम्हात में हमारा प्रोग्राम जो है शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जो सरपरस्त हमारे दरमियान मौजूद है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हम उनका और एक मरतबा खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी के दायर एहतमाम जारी मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल में सरपरस्त इजलास का यहाँ पर इनका किया गया है। आइए हम इस हमारे प्रोग्राम को आगाज करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मुदर्रिस शेख जाकिर अब्दुल रशीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आए तिलावत कलाम पाक पेश करें। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। हमने बारी ताला के लिए जमात दौरों के तालिबे अरियान निसार अहमद देशमुख उनको मैं दावत देता हूँ इन अशार पर। गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जलाले हुस्न तू परवरदिगार देता है, वो टाक टाक के रोशन तबस्सुमों के गुलाब गमे हयात की जुल्फे सवार देता है, वो लफ्ज लफ्ज को देता है मोतियों की चमक, वो लफ्ज लफ्ज को देता है मोतियों की चमक, वो काविशात कलम को निखार देता है, वही तो देता है लहजों को रंगे पैरहन, वही तो देता है लहजों को रंगे पैरहन, वो हर हर को जलवा हजार देता है, वो हर हर को जलवा हजार देता है। के पहले जाने दो
माशाल्लाह उसको बैठिए। आइए इसके बाद शेख मोहम्मद नासिर हश्तुम अलिफ बाए तालिबे इल्म आपके सामने नादिया कलाम पेश करेगा। आइए तंजीम अमल तहजीब और अदब इखलास और वफा इशार करम सरकार की उसने सीरत से क्या कुछ नहीं सीखा दुनिया ने। आइए जहां मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है, वो सोने सिकंदर वो चांदी सिमाटी नजर में बसाने को दिल चाहता है, जिहादे मुहाबत की आवाज गूंजे कहां जिलाने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जा मैं शहादा, इजाजत अगर दो तो जा मैं शहादा, लबों से लगाने को दिल चाहता है, जो पूछा नबी ने के घर कुछ भी छोड़ा तो सीधी के अकबर के होंठों पे आया, वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है, वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुसफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है, वो सोने सिकंदर वो चांदी सिमाटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। भाई किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, किसी भी जत्थे के लिए सदर की जरूरत होती है, तो मैं तहरीक सदारत के लिए हमारे मिडिल के इंचार्ज जनाब मोहम्मद अजमल खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तहरीक सदारत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तकरीब के लिए एक सदर का होना लाजमी होता है, इसलिए आज की तकरीब के लिए मैं मौलाना मोहम्मद अली गौहर ऑटो हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल शेख इशाक अहमद साहब का नाम पेश करता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाले। तायद सदारत के लिए मुदर्रिस महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सदारत की तायद करेंगे। यहाँ पर हमारे दरमियान जो बेशकीमत सरप्रस्त बैठे हुए हैं उनके नाम चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दे तो। हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कितनी कशिश है पड़ोस में। मतलब कशिश तो नजर आ गई लेकिन अलहमदिल्ला जो भी कशिश है हमें कबूल है। खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है, बहार जिसके कदम का तवाफ करती हो करती है। और एक आखिरी शेर, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। आइए इसके बाद मैं इफ्तिताही कलमात पेश करने के लिए हमारे जूनियर के इंचार्ज इकरामुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा। चरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया, चरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया है, कहां तक आग बरसाएगा सूरज, कहां तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों में चलना आ गया है। मेरी मुराद इकरामुद्दीन साहब तशरीफ फरमा। आज के जलसे के सदर जनाब शेख इशाक अहमद साहब और शहर की मौजूद शख्सियत हाजी अमीन साहब मेरे साथी यहाँ पर मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तमाम की कीमती सरपरस्त जिन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर हमारे आवाज़ पर लबैक कहा और तशरीफ़ लाए और इस बज़्म में रोशनी फैलाई है, इसको चार चंद लगाया है। मैं सबसे पहले आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ मशकूर भी हूँ आपका। आज की जो बज़्म है उसके जो अगराज व मकासद हैं इसलिए आपको बुलाया गया। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म से मुताबिक बहुत सारी अहादीस बयान की, जैसे इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اقوال ہیں اس متعلق سے. تو بہرحال علم پر اسلام میں بھی بہت زیادہ علم حاصل کرنے پر اسلام میں بھی بہت زیادہ زور دیا ہے اس پر. اور اس کی شروعات جو ہوئی وہ ایک چھوٹا سا چبوترا صبح اس پر وہاں سے شروعات ہوئی اس مدرسے کی, اس اسکول کی. ایک جگہ طے کی گئی جہاں سے علم حاصل کیا جائے, وہاں سے چلتے چلتے یہ مدارس, مکاتب, اسکول, یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں. پھر بعد میں اس کی مختلف اشکال بدلی ہے, اس کی ہر قسم کی علم آیا ہے, اس میں سائنس کا علم آیا, جغرافیہ کا علم آیا, زبانوں کا علم آیا ہے, الگ الگ طریقے کی زبانوں کا. یہ تمام جو ہے سلسلہ شروع سے چلتا ہوا رہا ہے, 14 سال سے آج تک چل رہا ہے. اور اب اس میں گورنمنٹ مختلف قسم کی وقت کے لحاظ سے, ماحول کے اعتبار سے اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے مسلسل آخر تک چلنے کا. اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں جو بنیادی طور پر جس کو ہم جیسے کالم کہہ سکتے ہیں, پلر کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ کچھ ہے اس میں جو بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ایک سب سے پہلے معلم ہے جس کا اہم کردار ہے اس میں. دوسرا ہے وہ اسٹوڈنٹ, وہ طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہے. یہ دو ہے. اس کے علاوہ بھی ایک نصاب ہے, کیا چیز پڑھانا ہے بچوں کو, کون سا علم لینا ہے. اس کے بعد میں کوئی ایک جگہ ہے متعین کیا جائے کہ اس جگہ پر پڑھایا جائے. یہ تمام باتیں ہیں. لیکن اس میں اور ایک ہے جو سب سے اہم شخص ہے, وہ اس کی ذمہ داری, ہر ایک نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے, معلم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے اسکول آنے کو, اسٹوڈنٹ نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے کہ روز میں اسکول جاؤں گا تو مجھے تعلیم ملے گی, ٹیچر نے اپنی ذمہ داری ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن ابھی ایک جو ہے وہ ہمارے پاس میں ایک کڑی کمزور ہے, ایک پلر جس کو کہیے وہ کمزور ہے, جس کی وجہ سے یہ جو عمارت ہے وہ صحیح طور پہ قائم نہیں ہے. اور سب سے مین ہے وہ پلر, اور وہ ہے سرپرست. یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے. جہاں جب تک یہ معلم اور سرپرست کا تال میل آپس میں میل جول ملاپ نہیں ہوگا, تب تک وہ بچے کی صحیح تربیت, صحیح تعلیم نہیں ہو پائے گی. معلم اس کو یہاں پر علم تو دے گا اس کو, لیکن اس کو جس انداز میں, کیونکہ جتنے کم وقت کے لیے ہمارے پاس میں یہاں پہ رہتا ہے بچہ, اس سے زیادہ وقت کے لیے وہ گھر پر رہتا ہے, آپ کے سرپرستی میں رہتا ہے. تو یہاں پر اس کو جو علم سکھایا جاتا ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہاں گھر پر بھی اس کی رہنمائی کی جائے, وہاں پر بھی اس پہ نظر رکھی جائے. بچہ جب اسکول یا کالج آتا ہے تو واقعی وہ کالج یا اسکول جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے, یہ لیٹ آیا تو کیوں آیا, کہاں گیا تھا, کالج یا اسکول اتنے میں چھوڑ گیا جب تک کیوں نہیں آیا. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا ڈیلی اسکول جا رہا ہے, وقت پر جاتا ہے بچہ, بچہ اسکول چلے جاتا ہے, ہم کام یا کوئی روزی وغیرہ دکان پر ہے, تجارت ملازمت چلے جاتے ہیں, ہم واپس جب آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بچہ روزانہ اسکول جا رہا ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ کسی وقت آ کر چیک کرے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہفتے میں مشکل سے وہ ایک یا دو روز آیا اسکول, باقی روز کہاں گیا. تو یہ باتیں آپ کو اس وقت پتہ چلے گی جب آپ یہاں آ کر پوچھیں گے, یہاں آ کر ملاقات کریں گے. تو معلم اور سرپرست کی آپس میں ملاقات اور میل جول کے تین طریقے. ایک طریقہ یہ ہے جو ہم نے آج اپنایا ہے, اور یہ بہت بہترین اور اچھا بھی طریقہ ہے کہ سب تمام سرپرست ایک ساتھ رہتے ہیں, تمام معلم ایک ساتھ رہتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے جو شکوک ہے, شبہات ہے, وہ ہم پوچھ سکتے ہیں آپس میں, ہمارے ڈاؤٹس ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کو فرصت نہیں ملتی ہے ہمارے کام سے, دھندے سے, ملازمت سے نہیں مل سکتے, تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن, 15 دن میں ایک دن, کسی ایک دن یہاں آ کر اسکول کے اوقات میں, کالج کے اوقات میں اس کے اساتذہ سے ملاقات کریں, اس سے متعلق وہ تمام باتیں ہم جانیں کہ روز آتا نہیں آتا, پڑھائی میں کس طریقے سے ہے, کیا اس کا پروگرس ہے, یہ اس چیز کو معلوم کریں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا, ہم اور زیادہ مصروف ہیں, تو پھر ایک تیسری اور آخری جو ہے اس کا طریقہ, یہ آخری یہ حد ہے کہ کم سے کم اس کو ہفتے 15 دن میں ایک مرتبہ اس کے ٹیچر کو فون کر کے پوچھ دیا جائے, کسی بھی وقت فون کر کے پوچھ لے کہ آج ہمارا بچہ آیا کالج میں, اچھا آتا اس کا کیا حال ہے, یہ تمام اس قسم کے حال معلوم کر دیا جائے. تو یہ اس علم تعلیم یہ پروسیس صحیح طور سے چلے اور بچے کی صحیح تربیت ہو, اس کے لیے جو ہے یہ اقدام اپنائے جاتے ہیں. اس میں سب سے اہم قدم ہے کہ سرپرست اور مولد یہ دونوں کی آپس میں ملاقات, آپس میں تعلق. تو اسی کے سلسلے میں آج یہ بزم رکھی گئی ہے, آپ لوگوں کو دعوت دی گئی, آپ لوگوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا, ہم پھر سے آپ کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں اور تہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. اللہ حافظ. آئیے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں پروگرام کے روپریشہ ہمارے درمیان اور دو تین اساتذہ اکرام آپ کی رہنمائی کریں گے, اس کے بعد آپ کو بھی جو ہے تو معاملہ دیا جائے گا آپ کے مفید مشوروں کے لیے. تو آئیے میں ہمارے جونیئر کالج کے میڈم زاہدہ باجی سے گزارش کروں آپ کہ وہ یہاں آئے اور اس ٹاپک پہ بات کریں گے, وہ طلبہ و طالبات میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی ذمہ دار کون, اس عنوان پہ محترمہ
जायदा मैडम से गुजारिश करूंगा कि आप इस पे इतना तशरीफ लें। अहमदु मुनसली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़हिनी फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे तलबा की बेराह रवी और उसका ज़िम्मेदार कौन इस मौजू पर बोलने का मौका मिला है, तो आइए इस मौजू पर बात करते हैं या यूँ कहिए इस टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करते हैं और समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मसले का हल निकालो मर जाने से क्या होगा। आज आप तमाम पेरेंट्स को यहाँ बुलाने का मकसद तलबा की शिकायतें करना नहीं है, बल्कि आज अपने बच्चे जो सही रास्ते से भटक रहे हैं, अपनी रोशन जिंदगी को अंधेरों की तरफ ढकेल रहे हैं, जिंदगियों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे सही राह की तरफ ला सकते हैं, इसके लिए बुलाया गया। कुछ कदम आप उठाए, कुछ कदम उन्हें अपने बच्चों को उठाने दें ताकि जिंदगी सही और कामयाब बन सके। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि जन्नत कितनी दूर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो कदम पर। तो पूछा कैसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना पहला कदम अपने नफ्स पर रख दो, तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में होगा। ये बहुत छोटी सी बात है मगर इसकी हकीकत बहुत गहरी है। सारी जिंदगी अपने कदम को मजबूत कदम बनाए रखें, क्योंकि इंसान को साबित कदम रहने के लिए सारी सही चीज़ों को अपने अंदर बसाना होता है। जैसे हमें सच बोलना चाहिए, हमें हराम चीज़ों से बचना चाहिए, नमाजों को वक्त पर अदा करना चाहिए, कुरान की तिलावत को दिलों का सुकून बनाना चाहिए, हमें अपने अखलाक को बुलंद रखना चाहिए, हमें अपने किरदार को बाकिरदार बनाना चाहिए। अखलाक को बुलंद रखने के लिए हमें करना क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बच्चों को बचपन ही से अखलाक की तालीम दें, दीन की तालीम के साथ साथ और स्कूल की तालीम के साथ साथ। आज के सरपरस्त क्या अपने बच्चों को अखलाकी तालीम दे रहे हैं, क्या उन्हें दीन पर पाबंद रहना है सिखा रहे हैं, क्या उन्हें स्कूल की तालीम की अहमियत सिखा रहे हैं, क्या सरपरस्त अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं जो अल्लाह सुबहाना ताला ने आप पर सौंपी हुई है। याद रखिए कि आपकी अपनी औलाद आपके हाथों में अल्लाह सुबहाना ताला की अमानत है, उनकी सही परवरिश की जिम्मेदारी आप पर है। अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, इसमें कोई कसर न छोड़ें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, वो आपके अमल को देख रहे हैं, उसी पर अमल करेंगे। इसके लिए पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारियों को पहले समझना होगा कि आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिससे अपने बच्चों को गलत बनने से भटकने से रोक सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि बच्चों की आदत को बदलना ज़रूरी समझें, गफलतों से बाहर आए ताकि जिम्मेदारी का एहसास बाकी रहे, सही गलत की पहचान बाकी रहे। सबसे पहले चाहिए कि उम्र के तकरीबन 15 साल तक मोबाइल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से रोकने की कोशिश करें या उन्हें मोबाइल ही न दें। अपने बच्चों पर तवज्जो दें कि वो मोबाइल कब और कितनी देर तक और क्यों उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है वजह जानने की कोशिश करें और उन्हें इस तरह से रातों को जाग जाग कर इस्तेमाल करने से रोकें, ज़्यादा देर तक मोबाइल की कॉल पर बातें करने से रोकें, उन्हें चैटिंग करने से रोकें। उनके मोबाइल का पासवर्ड हमेशा आपको भी मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पासवर्ड अपने बच्चे छुपाते हैं तो समझे कि कुछ गलत है जो आपसे छुपाया जा रहा है। इसके लिए कोशिश करें कि आप उनके मोबाइल के पासवर्ड का भी पता रखें ताकि आपसे कुछ छुपाना रहे। अपने बच्चों के आप खुद ही बेहतरीन दोस्त बन जाए ताकि उनमें खुद एतमादी आ जाए, जिससे उन्हें आपसे छुपा कर कोई भी गलत काम करने की नौबत ही ना आए। माओं को चाहिए कि वो अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बन जाए, जो अपनी माँ से अपनी हर वो बात भी शेयर करे जो वो सिर्फ अपनी सहेली से शेयर करती हो, उसको अपने एतमाद में उसकी बेस्ट फ्रेंड बने, उसे कभी ये महसूस ही ना होने दे कि उसे आपसे कुछ छुपाना हो और वो कोई गलत कदम उठाए। अपनी बेटियों के साथ घर का माहौल कुछ ऐसा भी बनाए कि उसमें कुछ हंसी मजाक का माहौल बना रहे और वो उस माहौल को इंजॉय करे, खुश रहे।
आजकल बच्चे बच्चियां रील्स बना बना कर डाल रहे हैं, तो आप चेक करें कि वो कौन सी रील्स बना रहे हैं, कैसी रील्स बना रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें रील्स बनाने से रोके, ये सब चीज़ें गलत हैं। हमारी ज़िंदगी जो इस्लाम से वाबस्ता है उसमें ये चीज़ें ममनू हैं। कुछ गलत चीज़ों को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, कोशिश करें कि अपने बच्चों को हलाल और हराम का फर्क सिखा सके, सही और गलत की पहचान करा सके। आजकल माएँ कुछ ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बेटियाँ भी अपनी माँ की तरह ही मोबाइल का इस्तेमाल करेंगी। ज़माने में लोग कहते हैं बेटियाँ माँ का आईना होती हैं, अगर माँ अच्छी तो बेटी अच्छी, अपनी बेटियों को अच्छा बनाए, अच्छी माँ कहलाए। आपकी सही परवरिश आपको जन्नत की तरफ ले जाएगी। आप अपनी बेटियों को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दूर रखने की कोशिश करें, अपनी बेटियों पर नज़र रखें कि वो क्या कर रही है, सही है या गलत, उसे देखें। किन सहेलियों से दोस्ती रखती है, किस हद तक दोस्ती रखती है, वो जानने की कोशिश करें। उन्हें चेक किया करें कि वो स्कूल या कॉलेज को किस तरह से तैयार होकर जाती है। अगर गैर जरूरी चीज़ों को लगाकर घर से निकलती है तो उसे रोके टोके, उसे सही वक्त और मौके की पहचान बताए। अपनी बेटियों और बेटों को बेहतरीन अखलाक की मिसाल बनाए, उन्हें उठने बैठने के आदाब सिखाए, उन्हें अपने घर की अहमियत बताए। बेटे को घर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है, एक बाप अपने घर को चलाने के लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियों को उठाता है, कितनी मशक्कत करता है और अपने घर के अफराद की जरूरियात को पूरा करता है, इन तमाम चीज़ों का एहसास दिलाए। उन्हें जताए कि ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं होती है, ये बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से अपनी बेटियों को घर के कामों में मसरूफ रखा करें, उसे किचन की जिम्मेदारियाँ कैसे माएँ उठाती हैं वो समझाए। माँ हो या बाप, कड़ी धूप में बीमारी की हालत में भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते, ये एहसास कराए। बेटियों को बचपन ही से घर के काम अहम होते हैं, ये समझाए। छोटे मोटे कामों को करवा कर जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। अगर वक्त ना भी हो तो एक वक्त मुकर्र करें, रात के खाने का वक्त। खाना खाते वक्त अपने बच्चों से दिन भर में की गई सरगर्मियों को पूछें कि आज उनका दिन कैसा गुजरा, स्कूल या कॉलेज में उन्हें टीचर ने क्या पढ़ाया, और ये भी जानने की कोशिश करें कि टीचर ने उन्हें किताबों की तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम दी है क्या, उनके किरदार को बाकिरदार रहने के लिए कुछ सिखाया है क्या, उन्होंने अपने कौन कौन से फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारा, वो जानने की कोशिश करें। अगर गलती की हो तो दुरुस्त करने की कोशिश करें, पहले नरमी से समझाने की कोशिश करें, अगर ना माने तो सख्ती करें, क्योंकि आज बच्चे जो गलत रास्तों पर चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर हिस्सा पेरेंट्स का ही, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही जिम्मेदार है अपने बच्चों को गलत राह पर छोड़ देने का। आपको चाहिए कि इस बिगाड़ को दूर करने की पूरी कोशिश करें। आइए अज़्म करें कि हम अपने कदम को मजबूत बनाएंगे और यही बात अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने ज़िंदगी एक ही बार अता की है, दोबारा गलती में दुरुस्ती का चांस ही नहीं है। अपने बच्चों पर भरपूर तवज्जो दें, इधर उधर की गपशप को भी कम कर दें और ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को दें, उनके साथ वक्त निकाल कर खेलें कूदें इंजॉय करें। वालिद हजरात को भी चाहिए कि वो अपने कामकाज को थोड़ा पहले ख़त्म करने की कोशिश करें और अपने बच्चों के साथ अपना फुर्सती वक्त बिताएं, ताकि अपने बच्चों के मिजाज को और अच्छी और बुरी बातों को समझ सकें। जितना आप पेरेंट्स अपने बच्चों के करीब रहेंगे उतना उनके नेचर को जान सकेंगे। गौर कीजिए, अगर कहीं आपने देखा हो किसी खानदान में गाली गलौज के बगैर बात न होती हो, तो एक 2 साल का छोटा बच्चा जो टूटी फूटी जबान में बातें करता हो वो भी ज़रूर गाली देकर ही बात करेगा, क्योंकि उसने उसी माहौल को सीखा है। ये उसने घर से बाहर जाकर समाज से नहीं सीखा है, वो तो अभी घर से बाहर जाकर चलने और दौड़ने के भी काबिल नहीं, स्कूल को जाना तो दूर की बात है। अगर ऐसा माहौल घरों में होता है तो सोचे कि यही बच्चे अपने माँ बाप का बुढ़ापे में कैसा ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम उन्हें जो देंगे जैसा देंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा, बबूल के बीज होकर आम नहीं पाए जाते। इसलिए पूरी कोशिश करें कि अपने बच्चों को अखलाकी तालीम और किताबों की तालीम से फ़ायदा उठाने वाले बनाएं, सही इंसान बनाएं, मोबाइल जैसे नशे से उन्हें दूर रखने की कोशिश करें, सोशल मीडिया से गलत कनेक्शन से दूर करने की कोशिश करें। मोबाइल से दूरी अगर पैदा कर दी जाती है तो नफ्सियाती बीमारियों से भी बचा जा सकता है। मोबाइल का इस्तेमाल एक जुनून है जिससे सिर्फ आप और सिर्फ आप ही अपने बच्चों को बचा सकते हैं। टीचर तो सिर्फ बच्चों को
5 से 6 घंटे सिखाने का काम करता, लेकिन बाकी के 18 से 19 घंटे वो अपने घर और खानदान से ही जुड़ा होता। हम टीचर्स फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें गलत चीज़ों से रोक सकें, उनकी जिंदगियों को सही राह की तरफ मोड़ सकें, मगर आप तमाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें, भरपूर तवज्जो दें। माँ बाप ये ऐसी पर्सनैलिटीज है कि दुनिया की तमाम चीज़ों को बेचकर सारी दौलत तराजू के एक पल्ले में रख दे और दूसरे में माँ बाप को रख दे, तो वो दुनिया की दौलत माँ बाप के आगे फीकी है, उनकी बराबरी नहीं कर सकती। आप अपनी अहमियत को समझें, अपने रोल को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने बच्चों की जिंदगी को महफूज करना सिखा दें, अपने बच्चों को डूबने से तबाही से बचा लें, उनकी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में रखें, बेदा लाड प्यार न करें, जहाँ जरूरी हो वहाँ सख्ती करें, जहाँ मोहब्बत करना हो वहाँ मोहब्बत करें, जहाँ ना हो वहाँ नर्म रहें। जितना आपका रुतबा बुलंद है उतनी आपकी जिम्मेदारी बुलंद है। अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने बच्चों में सब्र व तहम्मुल पैदा करें, कोशिश करें। सबसे ज़्यादा जो चीज़ अपने बच्चों में बसाने की कोशिश करनी है वो है सब्र। अगर सब्र आ जाए तो अपने कदम को खुद ब खुद ही मजबूत बना लें। ये जो तमाम बातें आपके सामने रखी गई हैं हमारे किसी ज़ाती मकसद के तहत नहीं रखी गई हैं। हमारा मकसद सिर्फ बुराई से बेदारी कैसे आ जाए और हम सब अच्छाई की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, सिर्फ इतना ही है। किसी को मखसूस निशाना बनाकर ये बातें नहीं की गई है। हम मुअल्लिम हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, इसलिए आज के मौके को बेहतरीन मौका सही बात को आप तक पहुंचाने का किया गया है। आखिर में आप सरपरस्त हजरात के लिए एक शेर कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। ए कलम रुक जा, अदब का मकाम है। ए कलम रुक जा, अदब का मकाम है, तेरी नोक के नीचे मेरे माँ बाप का नाम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, किरदार वो बना के जमाना मिसाल दे। इसी तरह यहाँ पर मैं हमारे दरमियान मुदरिस मोहम्मद साजिद साहब है, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर बढ़ते हुए मुकाबला जाती इम्तहान, हमारा रुझान, तैयारियाँ क्यों और कैसे, बहुत मुश्किल टॉपिक है, इस पर उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आए और हमारी रहनुमाई फरमाए। मुदरिस मोहम्मद साजिद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم ومولى الكريم. بہت ہی قابل صدر احترام آج کے جلسے کے صدر محترم صاحب صاحب اسٹیج پر تشریف فرما حاجی امین الدین صاحب، امین صاحب، خرم علی ہاشمی صاحب، خرم علی صاحب، اکرام سر، شکیل سر اور حجب سر، اور یہاں پر بیٹھے सरपरस्त हजरात माए बहन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1400 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं, 1500 बच्चे उसके हिसाब से इंतजार करने की कोशिश भी की गई। खुशी इस बात की है कि ये जो भी चंद लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं ये इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं कि कम से कम इन चंद नफूस के अंदर वो एहसास जिंदा है कि अपनी औलाद की आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल कैसा हो, क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, इसको हासिल करने के लिए आप हजरात यहाँ पर इसान सर की एक आवाज़ पर आपने लंबाई कहा है। मैं फिर एक मरतबा आपको मुबारकबाद देता हूँ। हजरात गिरानी, मैं 15-20 मिनट आप हजरात के सामने हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह इंतहा एक अहम तकरीर आप सुनने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ एक ही तरफ से मैं ही बोलता ना रहूँ बल्कि हम आपस में एक दूसरे के सामने गुफ्तगू करें। और चूँकि एक मौलवी हूँ, टीचर हूँ, सवाल करनी मेरी आदत है और हमको सिखाया भी जाता है कि जब आप सवाल करें, अल्लाह के रसूल का तरीका भी देखिए आप क्या था। अल्लाह के रसूल जब भी बात करते तो लोगों से पूछते हो क्या तुम जानते हो, तो साहबा कहते थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया करते हैं। हम एक दूसरे के साथ यहाँ बैठे हैं तो सुनने से इंसान उतनी चीज़ें ध्यान में नहीं रखता जो एक दूसरे के साथ में इंडायरेक्ट होने के सामने रखता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ ईमानदारी से, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ हासिल करने के लिए बैठे हैं और एक दूसरे के साथ आखिर में जो क्या सवाल जवाब का सेशन भी होगा, आप भी भरपूर सवाल कीजिए अपने बच्चों की तालीमी लियाकत को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के सिलसिले में जो तकरीरें होंगी उसके लिहाज से भी आप बेहतरीन सवाल पूछ सकते हैं। मेरा पहला ये सवाल है कि वो लोग हाथ उठाए जिनके पास मोबाइल है बिला तकल्लुफ, माशाल्लाह सभी के पास अल्हम्दुलिल्लाह आज की पोजीशन में मोबाइल है। अब दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, इसमें आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी से अपने दिल में जवाब उसको दीजिए। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपके घर में कितने मोबाइल हैं? सब मैं मेरा बोल रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं मेरा,
मेरे पास मोबाइल है, मेरी बीवी के पास मोबाइल है, मेरे चार बेटे हैं, चारों के पास मोबाइल है। इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास मेरे घर में 6 मोबाइल। ऐसा ही कुछ कम ज्यादा सभी के घरों का हाल गालिबा होगा। अगर मैं हिसाब लगाऊं कि भाई मेरा एक मोबाइल अगर थोड़ी सी हल्की एंड्रॉइड का जमाना है, किसी के पास ज्यादा मोबाइल नहीं होगा, शायद इनल्ला माशाल्लाह कुछ लोग हो सकते हैं। मैं अगर ये सवाल पूछूं कि भाई कम से कम हमने एक मोबाइल पर 10,000 रुपये खर्च किए, तो 60,000 रुपये तो मेरे पास के बिल्कुल गए हैं। ये मानते हैं ना आप? कम से कम पहले 10,000 पर डेटा है, वैसे उससे ज्यादा ही है। अब हर आदमी उसको हर महीने में रिचार्ज कर रहा है कम से कम 300 रुपये का, तो मेरे घर में से 1,800 रुपये जाते हैं के लिए रिचार्ज करते हैं। मैं उसको समझता हूँ कि कोई 400 रुपये वाला करता है, कोई 300 रुपये वाला करता है, तो इस तरह से समझ लीजिए कि 2,000 रुपये जाते हैं। तो वो 40,000 पीछे 60,000 रुपये मेरे, और 12 महीने के 12 दुनी 24,000 रुपये 2,000 रुपये के हिसाब से 40, 60 और 20, 80 और 4, 84,000 रुपये का, नहीं समझ लीजिए कि मेरे साल भर का ही खर्च है। इसी तरह से आप में से भी किसी का कम ज्यादा हो सकता है, 20 से तो ऊपर ही होगा साल भर का खर्च बता रहा हूँ। अब जरा एक आखिरी सवाल मैं इसमें भी हाथ उठाने के लिए कि हम में से कितने लोग हैं, मैं भी और सिर्फ तशरीफ और मैं हजरात से भी मेरा सवाल है, अपने दिन में आपको उसको जवाब दे। हम अपनी इस्लाह के लिए आज यहाँ बैठे हैं, ना शिकायत है, ना किसी से कोई किस्म के हमको किसी पर इल्जाम लगाना है, ना तनकीद करना है। हम एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, आज हम जमा हुए हैं। तो मेरा एक सवाल यही है कि हम में से आप बताइए 60-80,000 रुपए के लगभग का मैंने हिसाब बताया जो मोबाइल पर खर्च होता है, और 2,000 रुपए पर महीने के हिसाब से रिचार्ज पर खर्च होता है, और शायद ही बहुत अहम काम उनमें से कोई करता होगा शायद फोन आने जाने के और वीडियोस देखने के, जिससे बहुत अहम ज्यादा बहुत कम लोग होंगे जिनकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग वगैरह होती होगी। अब मेरा एक सवाल यह है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल 2,000 से लेकर 5,000 रुपए की किताबें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कोर्स को छोड़कर घर में लिखाते हैं? शायद 1% हो, 2% हो, चलो हम 5% ऐसे लोग समझ लेते हैं। यह हकीकत है सर, इसको हमको मानना पड़ेगा कि एक ऐसी चीज जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है, वो उस पर हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और एक ऐसी चीज जिसके जिसके होने से जिंदगी गुजर सकती है, हम उसके ऊपर 5,000 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक अफसोस का मकाम है। इकबाल अशर ने बड़ा प्यारा शेर कहा था कि ये जुगनुओं के मानिंद जलने वाले लोग, ये जुगनुओं के मानिंद सॉरी ये जुगनुओं की कयादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की कयादत में चलने वाले लोग कल थे चराग के मानिंद जलने वाले लोग। एक शेर है, सिर्फ एक शेर, लेकिन पूरी किताब लिखी जा सकती है। एक और उसी के शेर को उन्होंने आगे बढ़ाया, थोड़ा पानी है बर्दाश्त, आ गए वो पानी पर चलने वाले लोग, बहुत आगे का शेर है, आ गए वो पानी पर चलने वाले लोग, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों में, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, और हुदूद यहाँ ले लिए अंदर क्लास के अंदर, अंदर भी रूम में इंतजाम है, अगर आप चाहे तो हम अंदर भी चल सकते हैं। हम कदम रख चुके हैं और खत्म होने जा रहा है। अगर हम अपना हिसाब किताब करें, हम ये तय देखें कि हमारा मकाम कहाँ है, तो मायूसी के सिवा हमको कुछ नजर नहीं आता है। मायूस होकर हमारी निगाहें लौट आती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सब कुछ मायूस है, लेकिन अक्सर बेशतर हम ये देखते हैं कि हम एक मायूसी का शिकार है। अगर आप देखेंगे कि कल तक हमारी तारीख जो थी, दुनिया हमारी तरफ बड़ी उम्मीद की निगाह से देखा करती थी, और वो शेर भी आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि बड़े जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हबीस हो गए दास तक, आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से जमाना देखा करता था। आपको याद है और हिंदुस्तान के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर ये दुनिया भर में जो चीजें फैली हुई है, ये मुसलमानों की दी हुई चीजें हैं। अभी कल ही हमने यहाँ से पोस्टर्स निकाले हैं, अबाबिल उसके अंदर बैठ गई थी, वरना यहाँ पर तमाम मुस्लिम साइंसदानों के और मुस्लिम हीरोज के हमने यहाँ पर फोटोज लगाए थे, ये बताने के लिए कि देखो हमारा माजी जो था बड़ा रोशन था, हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इस दुनिया को दिया है, लेकिन आज क्या वजह है कि हम खुद मोहताज बने बैठे हैं। तो बहरहाल हमको एक बात सोचना पड़ेगा कि ये जमूद आखिर हमारे ऊपर क्यों तारी हुआ, जो रास्ता दिखाया करते थे आज वो रास्ता क्यों ढूंढने लगे हैं। हम और आप बहसे थे, हम मौलिम और आप पेरेंट्स,
हम एक दूसरे के साथ में इसीलिए यहाँ पर आज जमा हुए हैं। मैं एक बात ही बताना चाहता हूँ कि देखिए दुनिया की अपनी एक सुन्नत है, सुन्नत तरीके को कहते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सुन्नत है। दुनिया की सुन्नत यह है कि जो उसके कोई काम का नहीं होता है वो उसको रास्ते से बाजू से ठिकाने में लगा देती है। एक रोड पे पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं है, लोगों को ठोकरे लग रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मन चला इधर ठोकर मारता है कोई उधर ठोकर मारता है, आखिर को कोई समझदार इंसान आता है और सोचता है कि यार ये तकलीफ पहुंचाने वाली चीज है, इसको रास्ते से लगा देना चाहिए, और वो उठा के उसको रास्ते से लगा देता है। ये आज मुसलमानों का मामला है, कुछ काम के नहीं रहे ऐसा हमको कहा जाता है, तो इसीलिए ठोकरों में पड़े हुए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सुन्नत यह है वो इन अल्लाह ला युगय्युरुमा बिकौमिन हत्ता युगय्युरुमा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो कौम खुद अपने आप को बदलना दे। ये अल्लाह की सुन्नत है। आप कितने भी दुआएं मांगिए आप हरकत नहीं करेंगे तो दुआएं भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल दुआएं भी मांगते थे और फिर तदबीरें किया करते थे। आपने देखिए एक स्कॉलर जिसका नाम है सुवर्ण स्मिथ, वो लिखता है कि अल्लाह के रसूल, अच्छा जरा कभी आपने गौर किया कि अल्लाह के रसूल को अरब जैसी जाहिल लोगों में ही क्यों मबूस किया गया? हम ये चीज़ों पर सवाल नहीं करते हैं, अपने आप से सवाल नहीं पूछते हैं। तो याद की रखिए अच्छी तरह से कि वो एक ऐसी कौम थी उस जमाने की कि जिनके ऊपर कोई हुकूमत करना भी पसंद नहीं करता था, इतने जाहिल किस्म के लोग थे, और अल्लाह के रसूल वहाँ मबूस होते हैं, नबी की हैसियत से वहाँ पर भेजे जाते हैं, और फिर देखते हैं कि 23 साल की मुख्तसर सी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब आता है। तो वो सुवर्ण स्मिथ अपनी किताब के अंदर लिखता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने, प्रोफेट मुसलमानों के नबी मोहम्मद ने हीरे हीरों की नर्सरी, ज्वेल्स की नर्सरी पैदा कर दी। वो लोग जो पत्थर भी नहीं थे, उनकी हैसियत पत्थर की भी नहीं थी, उनको क्या बना दिया गया? उनको जोहली, उनको एक लाल और जो गोहर बना दिया गया, उनको हीरा बना दिया गया। और वही लिखता है कि ही वाज द मोस्ट रिलीजियस पर्सन इन द हिस्ट्री, कि अल्लाह के रसूल पूरी हिस्ट्री तारीख में, पूरी इंसानी तारीख में सबसे कामयाब शख्स थे, दोनों लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर भी और सामाजिक लेवल पर भी। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हमको सोचना पड़ेगा, आने वाली नस्ल के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी आंखें बंद होने से पहले पहले उनकी आंखें खुली छोड़कर जाना पड़ेगी कि तुम्हारी तारीख क्या थी और तुमको क्या करना है। मेरा जो उनवान है आज के मुसाबिकती इम्तिहान क्या है और उनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, हमारे बच्चों को हम कैसे तराश सकते हैं, इस सिलसिले में मेरा आज का उनवान है। तो आप जरा सोचिए कि आज से 50-25 साल पहले, 21वीं सदी लगने से पहले किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा कि इतनी तेज रफ्तारी से दुनिया के हालात बदल जाएंगे। आज जरा देखिए ना, 2 साल पहले मोबाइल कुछ और था, आज आपके हाथ में का मोबाइल कुछ और आवाज देता है, और आने वाले 4-6 महीने के बाद आप देखेंगे कि एक अजीम इनकलाब और आने वाला है कि मोबाइल की इस टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी तरक्की हो रही है। तो दुनिया हर दिन बदल रही है, 21वीं सदी में तरक्की की रफ्तार क्या होगी, मुकाबले की दुनिया कौन सी बुलंदियों को छू रही होगी, ये भी आपको देखने को मिलेगा आज के हालात में। मुकाबला इतना सख्त है कि आपने वीडियोस देखे होंगे, 10 नौकरियों की 10 की जगह निकलती है और 10,000 लोग लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं और 10 के 10 मुकाबला कर रहे हैं, 10 हजार के 10 हजार लोग मुकाबले के लाइन में लगे हुए। हर फील्ड में मुकाबला इंतहाई उरूज पर पहुंच चुका है। अब जरा सोचिए कि ऐसे हालात में कौन कौन से चैलेंजेस होंगे दुनिया के सामने, कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं और कौन कौन से मौके हो सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी सलाहियतें दरकार होगी, कौन कौन सी चीज़ें, सिर्फ सलाहियतें नहीं बल्कि हमको कौन कौन से स्किल्स अपने अंदर पैदा करना पड़ेंगे, ये आने वाले यानी आज से 25 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जिंदा कौमें दुनिया में जो जी रही है, हम जिनको गालियां देते हैं, हम जिनका बायकॉट करते हैं, हम जिनकी जिनके मिट जाने की बदुआएं करते हैं, उन्होंने इस नुस्खे को समझ लिया था, उन्होंने इसको पहचान लिया था, और उन्होंने इसको पहचानने के बाद अपने आप को उन सलाहियतों से लेस कर लिया था, उन्होंने समझ लिया था कि क्या होने वाला है, क्या किया जाना चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर लिया और हम सिमट के रह गए माजी की दास्तानों में। हम बस वही कि नहीं यार सादगी पसंद रहो, बेशक अल्लाह के रसूल सादगी पसंद थे, हमको भी सादगी पसंद रहना है, लेकिन हम किनात कहाँ करते हैं, रिस्क में किनात नहीं करते, जबकि अल्लाह कहता है कि तुमको जो दिया गया उस पर राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, ये मेरी मर्जी है। हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं दुआ करता हूं और दुआ कबूल होती है तो मैं बड़ा खुश होता हूं, लेकिन मेरी दुआ जब कबूल नहीं होती है तो मैं ज्यादा खुश होता हूं, है ना ताज्जुब की बात। इसलिए कि जब मैंने मांगा था वो मेरी मर्जी थी, मुझे मिल गया मैं खुश होता हूं, लेकिन मैंने मांगा और नहीं मिला मैं ज्यादा खुश इसलिए होता हूं कि इसमें रब की मर्जी है। तो आज जो मुझको आपको मिल रहा है इसमें खुश होना सीखते नहीं हम, और हमको जहां किनात नहीं करनी चाहिए थी, हम हिर्स करना चाहिए था, वो था इल्म, क्योंकि आपको कहा गया था एक रबी स्मरबी कल खला। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाइयों, आप स्कूल में जब बच्चों का दाखला कराते हैं तो हर कोई पेरेंट्स
एक उम्मीद की निगाह से यहाँ पर आता है, बच्ची की उंगली थमा के हमारे हाथ में चला जाता है, ये कहे कि सर अब मेरा मुस्तकबिल आपके हाथ में है। हमको अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कम से कम मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्कूल के स्टाफ के बारे में ये यकीन के साथ कहता हूँ कि हमको इस बात का एहसास है कि आप अपने बच्चे को, चाहे कोई रिक्शा चलाता हो, कोई लेबर वर्क करता हो, कोई छोटे मोटे वेल्डिंग के काम करता हो, कोई नौकरी करता हो, जो भी करते हो, लेकिन बहरहाल उम्मीद ये होती है आपके लोगों की कि हमारा जैसा तैसा तो गुजर गया, हमारा अगला आने वाली नस्ल खुशगवार जिंदगी गुजारे, बेहतरीन जिंदगी गुजारे। हमने रोजी मजूरी करके पेट को काट कर हमने जिंदगी गुजारी है, इनको कम से कम वो देखना ना पड़े। ये हमारा अमल होता है, ये हमारी सोच होती है। और यकीन जानिए कि आज आपके बच्चों में वो सलाहियतें, आप में भी वो सलाहियतें मौजूद है कि जिसका कोई सानी नहीं। अल्लाह ने हर किसी को नई सलाहियत के साथ जमीन पर भेजा है, ये हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमने ये समझ रखा है कि बल्कि हमारा, हमारे बच्चों का हमने ये जहन बना दिया है। आपको कई लोग ऐसे बातें करते हुए मिलेंगे, वो ये कहते हैं कि अरे यार पढ़ने से कहां हमको मुसलमानों को नौकरियां मिल रही है, है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ? ये हमारे अल्फाज कानों पर आए दिन पढ़ते रहते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कहते उनसे कि बेटा तुझे नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, तुझे नौकरी देने के लिए पढ़ना है। जिस दिन तुम ये बोलने लग जाओगे ना कि बेटा हमको नौकरी नहीं, रिस्क तो अल्लाह ताला देगा, हिसलोर के अंदर जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं वो सबसे ज्यादा करोड़पति है, देखिए चुन लीजिए, गिन लीजिए, आपको मालूम है अच्छी तरह से, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो करोड़पति है, जो बहुत पढ़ा डिग्री होल्डर है वो लिमिटेड नौकरी के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा मकसद नौकरियां हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद इंसानियत को फायदा पहुंचाना है। और जब आप इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए उठेंगे तो वो तो रब के बंदे है ना, वो तो चाहता है कि जो मेरी इस इंसानियत की भलाई के लिए उठेगा मैं उसके लिए खड़ा हूं, मैं उसकी पुश्त पर हूं। इतना बड़ा हाथ हमारी पुश्त पर है, हमको समझना पड़ेगा। तो हमको अपनी सलाहियतों का अंदाजा नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें मैकेनिक होंगे, जिनके गैरेजेस होंगे। सिल्लोर में अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम बनाया है, सिल्लोर ने उल्हासनगर जाया करते थे लोग, इंदौर जाया करते थे बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, अब यहां पर आ रहे हैं। ये तब्दीली ना बताता हूं आपको, हमारी अपनी सलाहियतों का आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक मैकेनिक का पास जो छोटा सा बच्चा काम करता है, कोई गाड़ी आती है यहां पर, आप सब जानते हैं, आप क्या बोलते हैं, जरा देख ले बेटा उसको, छोटे जरा देख ले। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो फायरिंग पर से अंदाजा लगाते हैं इसकी फॉल्ट क्या है, मैं गलत बोल रहा हूं, फॉल्ट का अंदाजा लगा लेते हैं काइपर से, फायरिंग पर से, इसका मतलब उसको अल्लाह ने वो जहन दिया है। तो गाड़ी सुधारने वाले क्यों बने, गाड़ी बनाने वाले हम क्यों नहीं बनते, कई मिसालें आपको मिलेगी। हमारी वो जानत है, ये हमारी ताकत है, इसको हमको समझना पड़ेगा, हमारे बच्चों के ऊपर हमको भरोसा करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए दिन से दिन कंपटीशन का दौर खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है, और आए हर कोर्स के लिए, कई कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी हो गया है। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि होता यह है अक्सर और बेशतर कि हम हमारे बच्चे जब 10th पास हो जाते हैं, 10वीं में आ जाते हैं, जब होश में आते हैं, 10वीं से पहले क्या, आप जरा कड़ा मुकाबला देखेंगे ना। मैं अभी ऐसे कॉलेज और स्कूल्स के बारे में जानता हूं कि जिनके बाद, जिनके एडमिशन के लिए 100 में से 100 मार्क्स भी ले रहे हैं बच्चे, 100 में से 100, और इतना खतरनाक और इतना हार्ड इम्तिहान होता है वो कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यकीन जानिए कि 99.9 ही नहीं बल्कि 100% मार्क्स उसमें बच्चे हासिल कर रहे हैं। तो कितनी मेहनत कर रहे होंगे वो, तो क्या उन्होंने एक साल में ये मेहनत कर ली होगी, नहीं, 5वीं क्लास से उनका बच्चा कंट्रोल में कर लेते हैं वो। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि 5वीं जमात से अपने बच्चे की तरफ वो नजर रखते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे क्या करना है, टारगेट बना लेते हैं, और बच्चे के जहन में वो चीज डाली जाती है, उसकी सोहबत पर नजर रखी जाती है, और उसको उस तरह की कोर्स की किताबें ला ला कर दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोबाइल इसको कोसने की जरूरत नहीं है। एक इस्लामिक स्कॉलर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, मुझे बड़ी दिल को लगी थी वो बात, वो कहते हैं कि शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के लिए इसको वजूद में लाया है। अब जरा सोचिए क्यों मुसलमानों के लिए, इसलिए कि एक ऐसा छोटा सा डिबिया वाला आला है हमारी जेब में जो रहता है, अल्लाह की पैगाम को आप हजारों लोगों तक इसके जरिए से पहुंचा सकते हैं, दावत दे सकते हैं लोगों तक, अपने पैगाम को पहुंचा सकते हैं, अपनी अच्छाइयां बुराइयां बनाए। अभी जो चल रहा है ना शादी में रसूल का, जिसने गुस्ताखी की है, आप उसको गालियां देने से बेहतर है कि अल्लाह के रसूल की तालीमात इसके जरिए से आम कर दीजिए। मैं देखिए कल कॉलेज में तकली में बैंगलोर से आया, मेरे बेटे के एडमिशन के सिलसिले में गया था वहां पर मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बच्चे को पिछले साल कंपनी ने सेलेक्ट करके लेकर गई है कि ये बच्चे को हम हमारी कंपनी में जॉब देते हैं। कितने तनख्वाह मिलना चाहिए भला उसको, एक अंदाजे से बोलिए, कोई जल्दी बोलिए, उन्होंने 2 मिनट का मुझे इशारा दे दिया। 40,000 रुपये महीना, 1,00,000 रुपये महीना, 1.5 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, चलो ठीक है 2 लाख रुपये महीना, उसको 75,00,000 रुपये साल का पैकेज दिया गया। वो भी तो बच्चा है, वो जिस जो HOD थे वहां पर, उनका नाम रेडी है, केरला के रहने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे 30,00,000 रुपए ये इस कुर्सी पे बैठने के मिलते हैं, और मैं रात में 3 घंटे अमेरिका की कुछ कंपनियों का काम करता हूँ, 20,00,000 में कमाता हूँ, 30 और 20, 50, मुझे बताइए भाइयों, हम 5,000 में भी खुश है। तो हमको 5,000 वाली सलाहियत आपकी नहीं है,
50,000 वाली आपके पास, 5 लाख वाली सलाहियत आपके पास और बच्चों के पास मौजूद है, लेकिन हम किनात कर गए, उनको हमको समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे इम्तिहान है जिसमें आपको सीरियसली, आप आइए स्कूल में आइए, पूछिए, ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं, 75,000 रुपए बच्चे को साल को स्कॉलरशिप मिलती है, आप 1,000 के लिए खुश होते हैं, वो 75 के लिए क्यों आप गवर्नमेंट को वापस कर रहे हैं? वो 75,000 रुपए सिर्फ ओलंपियाड के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स की तैयारी बच्चों को 5वीं से करानी पड़ती है और बार बार करानी पड़ती है। पहली बार वो फेल होगा, दूसरी बार फेल होगा, तीसरी बार भी फेल होगा, लेकिन कभी ना कभी इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि वो बच्चा पास होता है और फिर उसको उसकी जिंदगी गुजारने का रास्ता मिल जाता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना कॉम्पिटिशन है, आपको और मुझको अभी से सोचना पड़ेगा कि हम हमारे बच्चों की तैयारियां कैसे करा सकते हैं। और उसका बिल्कुल आसान तरीका देखिए कि आप सिर्फ, आप पढ़ाइए मत, आपको पढ़ना नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ जो रोजाना 10 बजे घर में आते हैं 8 बजे आना सीख लीजिए। आप रोजाना अपने दोस्तों को 4-5-10 मरतबा चाय पिलाते हैं, सख्ती से बोल दो कि मैं नहीं पिलाऊंगा चाय, मैं मेरे बच्चे को चॉकलेट लेके जा रहा हूं, उसका होमवर्क से मुझे चेक करना है। 5 रुपये 10 रुपये इधर बचाइए, कोई शान मारने की जरूरत नहीं है कि मैं 10 लोगों को चाय पिलाता हूं, 20 लोगों को चाय पिलाता हूं, इससे आपकी जेब हल्की जरूर हो रही है। वही 20 रुपये बचाइए और उसकी किताब लीजिए, पेन लीजिए, अच्छी चीज लीजिए, बेटा आज इतना होमवर्क करेगा तो ये आज तेरा इनाम है। ये चीजें आप दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, इससे बच्चों के अंदर इंकरेजमेंट होगा, बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर रुझान पैदा होगा। उनके मार्कशीट देखिए, उसको खुशी से इनाम दीजिए, हर साल बताइए कि बेटा आज अगर तूने ये किया तो तुझे ये इनाम दूंगा। बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम बताइए, बड़े बड़े लोगों की कहानियां बताइए। आखिरी चीज मैं KFC के बारे में बताकर खत्म करता हूं अपनी बात को। मैं KFC के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि हम कोशिश करने से थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि पहली मतलब भी हमको कामयाबी मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल को 23 साल नहीं लगते थे इनकलाब लाने के लिए, 23 साल लगे तब इनकलाब आया। आप और मैं बहुत जल्दी मचाते हैं, जल्दी से कामयाबी हासिल कर देना चाहते हैं। तो एक याद रखिए, KFC का नाम सुना है ना आपने, सुना है आपने सबने, KFC बड़ा होटल है ना, एक बूढ़े की उसके ऊपर फोटो होती है साइड में, उसका लोगो है। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ मुर्गा बनाना जानता था, खाना बनाना रेसिपी थी उसकी मुर्गे की। वो KFC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कंटकी फ्राइड चिकन, KFC फ्राइड सी चिकन, ये उसका मतलब है। वो फ्राइड करता था वो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी था, अपनी क्रिएटिविटी को उसने अमल में लाया। मैं वही कह रहा हूँ कि एक आदमी यहाँ पर भी होटल चलाता है, वो भी चिकन बेचता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिर्फ ये सोचता है कि भैया 2 किलो चिकन बिक जाए मेरे लिए काफी है, बस इतना ही काफी है, आने वाले कल में उसका बेटा भी वही सोच का मालिक बनता है कि वो 2 बेचता था, मैं 3 बेचूंगा, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बेचना है, हमको 4,000 क्विंटल माल बेचना है। ये सोच क्यों नहीं बनती हमारे बच्चों की? वो KFC वाले ने यही किया था, उसने अपनी रेसिपी 1,009 मरतबा रिजेक्ट कर दी गई थी होटलों के अंदर से, जाओ फेंक दो उसको, चलो चलती नहीं। 1,009 मरतबा एक आदमी नाकाम होता है और 1,010वीं मरतबा में जब वो अपनी रेसिपी लोगों के सामने पेश करता है तो उसकी कंपनी बिकती है $2 बिलियन के अंदर। और आज भी वो बूढ़ा मालक उस जमाने का था, उसने बेच दिया है। तो बहरहाल मेरा चुके वक्त खत्म हो गया, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए अगर छोटे छोटे घर है, बच्चों को 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 2 घंटा आप लेकर नहीं बैठ सकते, मस्जिद वाले जिम्मेदार मस्जिदों को सेंटर बनाए। हम में से हर मोहल्ले का आदमी एक दिन अपनी ड्यूटी तय कर ले कि मेरे मोहल्ले की मस्जिद में आज मैं ड्यूटी दूंगा, मोहल्ले के 10-20 बच्चे वहां मेरे साथ में बैठेंगे और ये 10-20 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्या पढ़ रहे हैं तुमने, क्या क्या तुम्हारे अलग अलग स्कूल से आप लोग आए हुए, क्या पढ़ाए थे आपको टीचर ने, चलो मेरे सामने सवाल का जवाब होगा। हम जैसे लोग इंशाल्लाह उनको काम दे सकते हैं कि ये काम इनसे ये लीजिए। हर मोहल्ले में अगर हर आदमी अपनी, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई मजदूर है, कोई कुछ पेशावर कोई आदमी है, अगर ये तय कर ले तो क्या आप समझते हैं तब्दीली नहीं आएगी? यकीनन तब्दीली आएगी, मोहल्ले सुधरेंगे, इंसान सुधरेंगे, मोहल्ले सुधरेंगे, शहर सुधरेगा, मुल्क सुधरेगा। हमको मुकाबले के दौर में पीछे नहीं रहना है। हम कुछ रोशनी बांटा करते थे, आइए इस अज़्म के साथ फिर हम रोशनी बांटने का इरादा करें, हम हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की कोशिश करें और हम आपके लिए हमेशा मौजूद है। आइए जो मालूमात हमारे पास है इंशाल्लाह हमको देने की कोशिश करेंगे बच्चों के लिए, लेकिन एग्जाम के फॉर्म्स की फीस जो होती है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, वो वहाँ पर आप कभी भी कंजूसी ना करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। कि मैंने दरमियान में कहा था आपसे कि आप सरपरस्तों की भी राय ले जाएंगी, लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है बराए मेहरबानी, कि आपको मियारे तालीम के लिए आपकी राय देना है और मशवरा देना है, अदर चीज़ों पे बहस ना करें तो बेहतर है, हमारा जो मकसद है उसी पर फोकस करें। कोई अगर बात करना चाहता है तो यहाँ आ सकता है और हमें राय मशवरा दे सकता है। सरपरस्तों में से कोई, किसी के जहन में कोई अच्छी बात है तालीम के लिए या हमारे असातिज़ा की कोई कमजोरी है तो उसके ताल्लुक से आप बता सकते हैं। आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों ये जो है हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए
बहुत अहम है। देखिए आप सब लोग भी कोई ना कोई किसी न किसी कारोबार में है, कहीं कोई खेती करता है, कोई जो है दुकान चलाता है, कोई खेती करता है, तो क्या खेती में हम बीज डाल के बेफिक्र हो जाते हैं बाकी सब हो जाएगा? बल्कि हर हर पल जो है उसकी जो है निगहदान करते हैं कि भाई पौधा कितना बड़ा हुआ, कीड़ा तो नहीं लगा, ये दिन हुआ वो दिन हुआ। तो क्या हम इसी तरीके हमारे आज के लिए भी सोचते हैं कि स्कूल में बस स्कूल में दाखिला करा दिए उसके बाद से जो बेफिक्र हो गए तो बेफिक्र हो गए? मेरे दोस्तों ये जो है कुल्लू को राइल यानी अल्लाह ताला जो है तुम्हारी रैयत के बारे में पूछेंगे, आपकी रैयत में आपकी बीवी और आपके बच्चे हैं, और बच्चे जो है यानी बच्चे बच्चे ही है, अगर आप कितने भी बड़े हो गए उनकी स्टेज देख के उनके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए, और ख़ासतौर से तालीम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि तालीम से ही उनका मुस्तकबिल संवरेगा, और वो अभी किस स्टेज में चल रहे हैं उस स्टेज के हिसाब से उनसे अपना जो है वो रखना चाहिए। तो मैं जो है इतनी दरख्वास्त करूँगा सरपंचों से कि इस तरीके की जब भी जो है असातिज़ा जो है अरेंज करें तो पूरी तवज्जो के साथ जो है इसमें इसमें हिस्सा लें, और ख़ासतौर से वक्त निकाल के बिल्कुल जो है अपने बच्चों को देखें कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। सारी जवाबदारी इन पर ही छोड़ के नहीं चलेगा, अपनों को भी देखना पड़ेगा, और वो जो जिस स्टेज में है उस स्टेज में देखना पड़ेगा उसको, अगर वो कॉलेज का है। और मोबाइल के ताल्लुक से मेरा एक मशवरा है पेरेंट्स को कि बच्चे 9 बजे के बाद नेट नहीं आना चाहिए, 9 बजे ईशा की नमाज के बाद आए, 9-10 बजे तक जब टाइम है आपका 10 बजे आप तो कोई किसके भी नेट नहीं चलेगा। बस इतनी बात है कि मैं अपनी बात खत्म करूँ। शुक्रिया हाजी साहब, जजाकल्ला। और कोई सरपंच कोई यहाँ आइए ना, इरफान साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा खुशनसीब है हम जो बच्चों के वालिदैन यहाँ पर आए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जौहर स्कूल के स्टाफ का जिन्होंने असदाज़ इकराम को जो वालिदैन को यहाँ पर बुलाया और उनको एक तरतीब बताई कि अपने बच्चों को किस तरह एजुकेशन के बारे में कि भाई बच्चे अपने जो है तो रात के टाइम में किस तरह से वक्त देना है। आज मैं मेरे बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि मुझे अपने बच्चों को वक्त भी देना है, और टीचर हजरात जो स्कूल में टीचिंग करते हैं उनको तो रात में उनको घंटा 2 घंटे टाइम देगा, उन्हें देखना चाहिए कि बच्चे अपने क्या पढ़ रहे हैं और असाराम क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में। तो मेरे भी जहन में बात आई है कि मैं भी आज सुना हूँ तो कल से थोड़ा घंटा 2 घंटे अपने बच्चों को लेके मैं, मेरी तालीम भी यही जौहर में 11वीं 12वीं है। टीचर हजरात इकराम सर मेरे उस्ताद हैं, ताजी सर, मैंने इनके पास तालीम हासिल की है, तो मेरा भी एक नज़रिया बन गया है कि कल से मेरे बच्चों को थोड़ा सा मैं घंटा आधा घंटा लेके बैठूंगा और रात में थोड़ी बहुत उनको जो मेरे से जो मुझे आता है, मेरे बच्चे 5वीं क्लास में हैं यहाँ पर, तो मुझे जो भी आता है मेरे बच्चों को होमवर्क देखूंगा कि टीचर हजरात ने क्या दिया। तो इतना मेरे समझ में आया, जितना मेरे समझ में आया इतना कहकर मैं बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया अरमान रशीद साहब। आइए मैं सीधा उस दया में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी प्यास हमको कब से लगी है। हमारे दरमियान बहुत ही बेहतरीन शख्सियत डॉक्टर इमरान अहमद खान साहब मौजूद है, उनके लिए टॉपिक दिया गया है तालीमी तरक्की एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए हमारा मनसूबा और सरपरस्तों की जिम्मेदारियाँ। तो मैं बहुत ही अदब के साथ डॉक्टर इमरान अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आए और हमारे रसूल करीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। قال الله تعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير। आज की हमारी सरपरस्त और वालिदैन के इजलास के सदर दीगर मौजूदा शख्स शहर और सरपरस्त हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे यहाँ ये बात कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और सामईन में मैं जो देख रहा हूँ तो इसमें ज़्यादातर वो सरपरस्त हैं जिनको हमने खुद यहाँ पढ़ाया है, मतलब ये अभी दूसरी जनरेशन हमारे पास से इस वक्त तीसरी जनरेशन हमारे पास से इस वक्त गुजर रही है। अज़ीज़ दोस्तों, ये हम तहदीस नेमत के तौर पर यह बात कहते हैं और इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं कि इल्म तालीम का जो मकाम है, जो उसका तकद्दस है, दुनिया में किसी और मज़हब ने इतना मकाम और तकद्दस इल्म और तालीम को नहीं दिया है जितना इस्लाम ने इसका तकद्दस बढ़ाया है। कुरान में जा बजा अल्लाह ताला ने इल्म के ताल्लुक से
تعلم کے تعلق سے، رہنمائی کے تعلق سے اپنی انقلابی کتاب میں اس کو جگہ عطا فرمائی ہے. اور سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انقلابی پیغام کا آغاز ہی اقرا سے کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو. پڑھنے میں بائفرکیشن نہیں ہے، دین کا تعلیم اور دنیا کی تعلیم الگ الگ نہیں. میں شروع سے پچھلے 24 سال سے طلبہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علم ایک ہے، اللہ ایک، رسول ایک، دین ایک، قرآن ایک، علم بھی ایک ہے. ہمارے ہم سب دونوں طرح کے علم حاصل کریں گے، جنت کے حصول کے لیے دین کا علم حاصل کریں گے اور دنیا کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے دنیاوی علوم کو حاصل کریں گے. علم کو بانٹنا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کو بانٹا نہیں ہے بلکہ علم سکھانے کی کوشش کی ہے. قرآن اور حدیث میں بے شمار رہنمائی ہم کو ملتی ہے، حدیث میں ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہ نے، اکابرین ملت نے تعلیم پر، تعلم پر بے شمار ابواب باندھے ہیں. ہمارے اکابرین نے بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ کیا ہے، جا کے ہم یہاں ملت یہاں پر پہنچی ہے. اس لیے آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے اسی تعلیم کے ذریعے سے، اسی علم کے ذریعے سے دنیا کی امامتیں کی ہیں. مسلمانوں نے زندگی جینے کا دنیا کو ہنر سکھایا ہے. مسلمانوں نے تہذیب و اخلاق کے بڑے بڑے مینار قائم کیے ہیں. مسلمانوں نے قیادت کی، سیادت کی، رہنمائی کی، امامت کی اور دنیا کو زندگی گزارنے کا روشنی دکھائی ہے. اس لیے آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں آج جو موجودہ علوم ہیں، جتنے بھی علوم آپ کو دنیا بھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کی فنگر ٹپ پر ہے، اس کے سارے موجد مسلمان ہیں. انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پر مسلمانوں کے تعلیمی کارنامے درج نہ ہوں. انگریز ہیں ضرور مسلمانوں کے خلاف لیکن اس بات کے بڑے سچے اور پکے ہوتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے اس کو کریڈٹ دیتے ہیں. انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں جہاں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے کہ کس علم کی ایجاد کون سے مسلمان سائنسدان نے کی ہے. اس لیے اس نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، جب ملت علم کے ساتھ رہی تو اس نے دنیا کی قیادت اور سیادت کی ہے. ہم نے مسلمانوں نے دنیا کے تابناک اور مستقبل کو دیکھا ہے، تابناک ماضی کو دیکھا ہے، اس کو سینچا ہے، اس کو بنایا ہے. اس لیے کہ جب تک ہم علم کے ساتھ رہے ہم نے دنیا کی رہنمائی کی ہے. تعلیمی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، عدل و انصاف کے معیار ہم نے قائم کیے ہیں. اس کو ایسی ایسی بلندی عطا کی ہیں کہ بلندیوں کو شرم آنے لگی کہ بس اس سے زیادہ اور بلندی کیا ہو سکتی ہے. ہم نے اسلام نے مسلمانوں نے وہ بلندی عطا کی ہیں. انسانی معروف دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. آج آپ صورتحال کو دیکھیے، یہ اس لیے ہوا کہ مسلمان اپنی جڑوں سے واپس آتے، مسلمان اپنی تعلیمات سے جڑے رہے، مسلمان تہذیب و تمدن سے جڑے رہے، مسلمان قرآن اور حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے رہے. اس لیے مسلمانوں نے جب یہ ساری چیزوں سے جڑے رہے، اپنے رب سے جڑے رہے، تو خود ملت میں بھی اور دنیا بھر کی اقوام میں برگ و بار پیدا ہوتے رہے، برگ و بار پیدا کرتے رہے. اس کے سمراٹ ہم کو دنیا میں دیکھی. آج آپ کو جو سویلائزڈ دنیا دکھتی ہے، یہ ترقی یافتہ دنیا مسلمانوں کی مرہون منت ہے. مسلمان اگر تعلیم کے ذریعے سے روشنی نہ دکھاتے، ملت ہی ایک ایسی واحد ملت ہے، قوم ہے، جس نے دنیا کو اندھیروں سے نکالنا ہے. آج حالات بڑے دیگرگوں ہیں، انتہائی سخت حالات ہیں. ان حالات میں ملت کا تعلیمی ایجنڈا آپ دیکھیے تسبیح کے دانوں کی مانند بکھر گیا ہے. جس طرح تسبیح ٹوٹنے کے بہانے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی ملت کی تعلیمی صورتحال بکھر گئی ہے. ملت ہر شعبہ زندگی میں انتشار کا شکار ہے. ہم آپس میں انتشار کا، ہمارے تعلیمی ادارے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، ان کے اندر پائیداری ختم ہو گئی ہے. ایک دور تھا جہاں سے مسلمان طلبہ ایسے پڑھ کے نکلا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کے قابل بنتے تھے. ہم سے کاغذ کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، ہم سے پروفیشنلز بنا رہے ہیں، ہم سے ڈاکٹر اور انجینئرز بنا رہے ہیں. ہم اگر نہیں بنا پا رہے ہیں، اس کے درمیان ہمارے بیچ میں اخلاقی فقدان ہم کو نظر آتا ہے. ایک مسلمان سرجن، آپ نے میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ ایک پیشنٹ، ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ کسی ڈاکٹر کی ٹیبل پر زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے اور مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پہلے 2 لاکھ ڈپازٹ کریے. ہم ایسے ڈاکٹر نہیں چاہتے. ہم ایسے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ٹیچر چاہتے ہیں جو خدمت خلق کے جذبے سے، اخلاقیات کے جذبے کے ساتھ میں زندگی کی دنیا میں کام کر سکے. ہر ایک بلیم گیم کھیل رہا ہے، ہم آپ کو موری دلدار ٹھہرا رہے ہیں، آپ ہم کو برا بھلا بول رہے ہیں، لیکن کوئی ان حالات کے بننے کی وجہ، ان حالات کے بننے کے اسباب کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے یہ کہ کوئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ان حالات سے نکلنے کے لیے، حالات کا رونا نہیں ہونا ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے تعلیم کو اپنا ایجنڈا بنائیں. آپ نے مجھ سے پہلے بہت ساری چیزیں سنی لیکن تعلیم ایجنڈا ہو، آپ کی فکر تعلیم کی فکر ہو، آپ کی لگن تعلیم کی لگن ہو، آپ کے دور دور تعلیم کی لگن ہو، آپ کی گفتگو کے موضوع تعلیم ہو، آپ کی جدوجہد، آپ کے بچے اور ان کی تعلیم ہو، آپ کے بحث و مباحثے تعلیم کے ارد گرد گردش کرتے ہوں، بچوں کے مستقبل پر آپ گفتگو کریں، آپ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتے داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان جب آپ رہیں، جب آپ تعلیم پر اور ان کے بچوں کے مستقبل پر غور فکر کرتے رہیں. 24/7
हफ्ते के 7 दिन के 24 घंटे आप इसी फिक्र में अगर मुब्तला रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि हम अपने मौजूदा सूरत हाल को बदल पाएंगे। इसलिए कि इसका एजेंडा एक ही है और वह है तालीम। और तालीम जैसे मैंने शुरू में कहा, यह तालीम वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौहर का जो स्टाफ है, हम एक मंसूबा रखते हैं प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज के सतह पर बच्चों की सतह पर उतर कर उनके लेवल पर आके हमारे असातिज़ा उनको टीच करते हैं, तदरीस करते हैं, नए नए तरीकों से उनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए से उनको उनके अंदर तदरीस का काम करते हैं, साइंस और इस्लामी नुक्ते नज़र से उनको पढ़ाते हैं, मुकाबला जाति कॉम्पिटेटिव स्पिरिट उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं, तहजीब और तमद्दुन के जेवर से उनको आरास्ता करते हैं, अखलाकी कर्दों की तामीर के साथ हम उनकी खिदमत करते हैं, इज्जत और इकराम उनको सिखाते हैं, उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। आपकी औलाद, आपकी नस्लें आपके लिए कैसे मुफीद साबित होती हैं, हो सकती हैं, हम इसकी कोशिश करते हैं। वो कैसे आपकी आंखों की ठंडक बन सकती है, हम इसकी कोशिश करते हैं। वो कैसे आपके ख्वाबों की ताबीर बन सकते हैं, हम इसकी कोशिश करते हैं। वो कैसे आपकी शान और शौकत, इज्जत और हशमत को चार चांद लगा सकते हैं, हम इसकी कोशिश करते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, हमारा स्टाफ, हम जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ताज में लगे हुए जितने भी लोग हैं, हम इस बात की कोशिश करते हैं। हमारे स्टाफ में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ग्रुप बंदी नहीं है, आपस में एक दूसरे से शिकायत नहीं है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ पर पढ़ने वाले 1500-1700 बच्चे इस बात की गवाही देंगे कि हमारे स्टाफ का कोई टीचर आपस में एक दूसरे को गाली नहीं देता। ये हमारे लिए बड़ी खास बात है। हम यहाँ वक्त की बर्बादी नहीं करते बल्कि तामीरी सरगर्मियों का मरकज है हमारा स्टाफ। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हम लोग रहते हैं। आपसे ज्यादा आपके बच्चों पर हम लोग तवज्जो रखते हैं। उनका गाली देना हमको पसंद नहीं, उनका आपस में लड़ना हमको पसंद नहीं, उनका आपस में एक दूसरे को मजाक उड़ाना हमको पसंद नहीं। वो झूठ बोलते हैं तो उस पर हम सख्ती करते हैं, वो अगर जीन्स और टी शर्ट और भूरे लिबास में आते हैं तो उस पर सख्ती करते हैं, इसलिए कि वो हमारी कौम के, हमारी नस्ल के बच्चे, हमारा मुस्तकबिल है। हमारा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की कोशिश करता है। साथ ही हम अपने स्टाफ में ये बात भी देखते हैं कि हम अपनी तालीमी तरक्की को, उसके मियार को बुलंद करने की मुस्तकिल कोशिश करने लगे हुए हैं। दर्स व तदरीस हमारा मिशन है। हमने बाई चांस इस सर्विस को ज्वाइन नहीं किया है बल्कि बाई चॉइस हमने इस पेशे से वाबस्ता हुए हैं। तदरीस के पेशे को हमारा हर साथी अपना फर्ज समझता है। हम अखलाकी तौर पर अपने बच्चों के रोल मॉडल बनना चाहते हैं। हमारा हर टीचर मियारे तालीम को बुलंद करने की मुस्तकिल कोशिश कर रहा है। मोहतरम साथियों, असातिज़ा, हम और हमारे असातिज़ा पूरे सब्र और तहम्मुल के साथ, हिकमत और बसीरत के साथ, अपनी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी के साथ आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश में लगे हुए हैं। अखलाकी उसूलों के साथ, माशरती उसूलों के साथ, तालीमी उसूलों के साथ हम बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते हैं। ये जो कुछ वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया, गुजरे हुए वक्त पर हम मातम नहीं कर सकते। जिंदगी की सातें जो इस वक्त हमारे पास में, वो बहुत कीमती करेंसी है। ये कीमती करेंसी का लिहाज बहरहाल हमको रखना पड़ेगा। मेयारे तालीम के इर्तका के लिए, एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, इसमें सिर्फ असातिज़ा ही काम कर नहीं सकते। ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इसमें असातिज़ा, वालिदैन, तलबा और इसके अलावा समाज, बच्चों के दोस्त, आपके घर का माहौल, आपका खानदान, ये मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। हम सब अगर जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं, अपने बच्चे के इर्द गिर्द ये सारे माहौल को क्रिएट करें, एक अच्छा इस्लामिक माहौल बनाएं, तो मुस्तकबिल हम संवार सकते हैं। हर एक की जिम्मेदारी है, कोई इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से फरार इख्तियार नहीं कर सकता। जिन लोगों ने अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं रखी, वो आज रात में तन्हाई में रो रहे हैं। हर साल यहाँ पेरेंट्स आके मेरे पास में रोते हैं कि साहब हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं रहे, इसलिए कि हमने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी। लेकिन ज्यादातर जिम्मेदारी यहाँ पर वालिदैन की है। आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के मुकल्लफ जरूर हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम वही काम कर सकते हैं जितनी इस्तेआत हमारे अंदर है। इससे पहले भी बात आई कि आप बच्चों के अच्छे दोस्त बने, बच्चों के खैरखा बने, बच्चों के केयर टेकर बने, बच्चों के राजदार बने, बच्चों के ख्वाब की ताबीर बन जाएं। हर जरूरत को पूरा करते वक्त उनको अच्छे और बुरे की तमीज सिखाएं, नेकी और बुरे की तमीज सिखाएं। बच्चों के लिए एक माँ, एक बाप, अगर बच्चा किसी वजह से किसी मेले में, जत्रा में, यात्रा में या मीना बाजार में अगर मिस हो जाए, गुम हो जाए, तो माँ और बाप तड़प जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो ये वही माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को थोड़ी देर नहीं पाकर तड़पते हैं, बेचैन हो जाते हैं। आप देखिए कि सूरत हाल ये है कि रात के एक एक दो दो बजे तक बच्चा हमारे घर में नहीं है। न माँ को फिक्र है, न बाप को फिक्र है। मैं ये समझता हूँ कि जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, इसलिए आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। लेकिन मेजोरिटी वालिदैन की ऐसी है जो अपने बच्चों के सिलसिले में गाफिल है।
हमको ये बात की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं अपने बच्चों को मिसाल देता हूँ कि हमारे घर में मुर्गियाँ पाली जाती हैं, घर की बूढ़ी बूढ़ी औरतें, खाला दादी अम्मा, ये रात में मगरिब के वक्त मुर्गियों को घेर के घर में लाती हैं। बकरी पाली जाती है तो सर्दी में बारिश में बकरी के रहने का, खाने का, गर्मी का एहतमाम किया जाता है। लेकिन वो बच्चा जिसको माँ ने अपने 9 साल पेट में दर्द के साथ रख के पाला है, जब उसका बिस्तर गीला हो जाता तो माँ गीले बस हो जाती, बच्चे को सूखे बस सुलाती है, आज वही माँ बेचैन क्यों नहीं होती है? उसके बच्चे की उसको फिक्र आखिर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने अपने एजेंडे में इसको रखा नहीं है। हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, आपको इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मोहतरम बुजुर्गों, अगर हम ये काम कर लेते हैं तो आज भी हालात बदल सकते हैं। हालात को बदलने के लिए जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर आप हमारा आप अगर हमको कोऑपरेट करें, अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद हो, आप में से तकरीबन पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको 11th या एडमिशन के वक्त मैं खुद कहता हूं कि आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने में कॉलेज में विजिट करिए, ताकि आप बच्चे का परफॉर्मेंस मालूम करें, आप आए देखें पूछें। हमको बड़ी खुशी होती है कि पेरेंट्स कॉलेज में आते हैं। वो और कॉलेज वाले लोग होंगे जो पेरेंट्स को कॉलेज में आने से रोकते हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। सिर्फ पालक और टीचर्स के मेड़ावे पर नहीं, बल्कि आप जब चाहें, आपके लिए जौहर का दरवाजा खुला है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की आप जरूर तशरीफ लाएं। हम ये भी जानते हैं कि आज भी इस बात को हम मानते हैं कि तदरीस अब भी मुकद्दस पेशा है। तदरीस आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है, और कौमों की तकदीरें इन्हीं 4 दीवारियों के अंदर संवारी जाती है। कौमों की तकदीरें यहीं संवरेंगी। कल आपका मुस्तकबिल रोशन यहीं से होगा, कल आपके बच्चे आपको आपके आंखों की ठंडक यहीं से बनेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसके सिलसिले में थोड़ा सा गौर फिक्र करें, एजेंडा बनाएं, उसके लिए अपनी मसरूफियात को तय करें। जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा, इरफान साहब ने, कि ये कल से इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए वक्त देंगे। आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी दुनिया गुजर गई, आपका सूरज डूब गया, कल आपके बच्चों का सूरज है। कल उनकी किरणों को समेटने दीजिए, उनके अंदर अज़्म पैदा करें, हौसला पैदा करें, उनके अंदर एनर्जी पैदा करें। हम यहाँ पर उनको ये सारी चीजें उनके अंदर भरने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अरमान न पालें, सिर्फ ख्वाहिशात न पालें कि आपका बच्चा इतना ऐसा बन जाए, ऐसा हो जाए, वो तो हो जाएगा। इसलिए कि हाजी अली के दरगाह पर जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके 2 हाथ 2 पैर नहीं है, वो भी जिंदगी गुजार रहे हैं। फुटपाथ पर जो लोग हैं वो भी जिंदगी गुजार रहे हैं। महलों में जो लोग हैं वो भी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन जिंदगी वो जो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सके, जिंदगी वो जो कल किसी कदर की ठहरे। अरमानों से जिंदगी नहीं बदलती। किसी ने क्या खूब बात कही थी कि हुस्ने तकदीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, हुस्ने तकदीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, तकदीर कभी समरती नहीं अरमानों से। माँ बाप अरमान पालते हैं, अरमान जरूर पालिए। माँ बाप ख्वाब पालते हैं, ख्वाब जरूर बुनिए, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर बनने के लिए अपने बच्चों को तैयार करिए। हम आपके साथ हैं। हम 5 घंटे जो मेहनत करते हैं, 6 घंटे, आप 19 घंटे उसको समर आवा करिए, आप उसको फ्रूटफुल बनाइए। हमारे पास में नीचे से प्राइमरी से लेकर जूनियर कॉलेज तक ये पूरा स्टाफ आपके साथ है, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारा ताउन करें, आप हमें हमारे साथ शाना बना शाना चलने की कोशिश करें। अजीज दोस्तों, कहने के लिए बहुत है, लेकिन आज आप यहाँ आए, हम आपका इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। ये बात भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा जब जब भी हम आपको कॉल करेंगे तो आप अकेले नहीं आएंगे। अब आप अकेले नहीं आएंगे, आप दूसरे पेरेंट्स को साथ लाएंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ कैसे पढ़ता है, हमें फर्क ये पड़ता है कि पढ़ा क्या जाता है, पढ़ाया क्या जाता है, बच्चे बन क्या रहे हैं। हमारे वो तलबा जिन्होंने हमारी बातें आज से 24 साल पहले सीखी, समझी, सुनी, मानी, आज वो दुनिया में सक्सेस हैं, आज वो दिन में सक्सेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमको इस बात पर फख्र है, हमारे जब बच्चे मिलते हैं उनके अंदर अखलाक है, उनके अंदर किरदार है, उनके अंदर एहतराम है, इज्जत है। आज अल्लाह ताला उनको सारी चीज़ों से नवाजा है। ये सारी चीज़ें कहने और करने से ज़्यादा, कहने और बोलने से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, इसको एग्जीक्यूट करिए। बहुत सारी बातें आज आपके सामने आई हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम दोनों का, हम सब का काम है, हम सब मिलकर अपनी नस्लों को संवारने के काम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन टूटी फूटी कोशिशों को कामयाबी से हमकिनार फरमाएं। अल्लाह ताला जो जिन हालात से भी इस वक्त मिल्लत गुजर रही है, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमाएं, और दुनिया की सियादत, दुनिया की क़यादत करने के लिए हमारे बच्चों को तरबियत, उनकी तालीम और तरबियत फरमाएं। रब्बी फिर वरहम वंता खैरुर रहीमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे प्रिंसिपल जनाब शेख साहब अहमद साहब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि सुधार की दुआ फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूज़ शख्सियात जो यहाँ बैठी है, हमारे एक आवाज़ पर आपने लबैक कही, कम तादाद में क्यों ना हो, आज हम इतनी तादाद में आए हैं, हो सकता है कि हमने जितना इंतजाम किया उससे ज़्यादा सरप्रस्त कल हमारे बुलाने पर आ सकते हैं। आपने 3 मुकर्ररीन को सुना है, ज़ायदा मैडम, जो
11th 12th में इंग्लिश पढ़ाते हैं, समाजियात और इंग्लिश पढ़ाते हैं, टू डबल एमए है बीएड। उन्होंने अपने टॉपिक, आज का जो दौर है, जो चीज़ें चल रही है मोबाइल के ताल्लुक से, आज अमीन साहब ने बात की है, मैंने देखा मस्जिदों के बाहर जो चबूतरे हैं वहाँ पर मोबाइल लेकर बच्चे जो तो दो दो तीन तीन बजे तक बैठे हुए हैं, उसका क्या होगा। तो आज जो बेदारी जो शुरू हो रही है, इस तरह की जो हरकतें हो रही है, वो यहीं से हो रही है। सबसे पहले हमको अपने मोबाइल जो हम बच्चों के पास में, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ें मैडम ने अपनी तकरीर के अंदर रखा है। मैं समझता हूँ कि जितने सरप्रस यहाँ आए हैं वो इसके ऊपर सख्ती से अमल करेंगे, अपने बच्चियों को और बच्चों को मोबाइल से बचाएंगे। आज जो कुछ भी हालात दुनिया में हो रहे हैं ये मोबाइल के ज़रिए हो रहे हैं। पासवर्ड के ताल्लुक से बाजी ने कहा है, आपको इस बात का भी इल्म होगा जिनकी बच्चियाँ बच्चे 11th 12th में पढ़ते हैं उनको मोबाइल की इजाज़त हमारे पास नहीं है। है इसमें सरप्रस ऐसे जिनको कॉल किया जाता है टीचर के मोबाइल से कि हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, हमको ले जाने के लिए आइए, है ऐसे कोई इसमें? बहुत सारे होंगे, आप हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं। तो मोबाइल का बिल्कुल कतई इस्तेमाल जो है तो जोहर में नहीं होता है। हम सख्ती से इसके ऊपर अमल करते हैं, ना बच्चों को मोबाइल लाने देते। इसमें से ऐसे भी हजरात होंगे या उनको इल्म होगा, या हमारे साजिशन ने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इसके अंदर नजर आ रहे हैं जिनके बच्चे आज हमारे पास में पाँचवीं छठी सातवीं में है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके बच्चे 12th में हैं, जिनको हमने पढ़ाया था उनके बच्चे 12th में हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने ये मौका हमको इनायत फरमाया है कि एक अच्छे पेशे से हम वाबस्ता है। तो मैडम ने जो बातें कही है उसके ऊपर आप सख्ती से अमल कीजिए। लड़कियों को खास तौर पर मोबाइल पर हमने तो यहाँ पाबंदी आयद कर दी है, मोबाइल बिल्कुल कतई, अगर मोबाइल मिलता है तो 8-10 दिन तक हमारे पास मोबाइल जब्त होता है, जब तक के पेरेंट नहीं आते तब तक हम मोबाइल देते नहीं उनको। तो आप भी घर पे खास तौर पे मोबाइल पे ध्यान दीजिए। आज के जो हालात है वो बहुत खतरनाक इशारा हमारी तरफ कर रहे हैं कि हमारी लड़कियों और लड़कों को इससे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे मुकर्रे हमारे साजिद सर, उन्होंने जो है तो आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मुकाबला जाती जो इम्तहानात होते हैं, उसमें किस तरह से हमने हमारे तलबा तालिबात हमारे बच्चों ने शरीक होना चाहिए इस उनवान पे, बहुत ही तफसील से रोशनी डाली है। इसके ऊपर भी हम सख्ती से अमल करें। उसके जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े गाइडेंस की अपने बच्चों के ताल्लुक से, तो यहाँ जौहर में बहुत बड़े बड़े जो है तो जौहर मौजूद है। अभी आपके सामने 3-4 ही जौहर है, इनके पीछे और बड़ी कतार खड़ी है जौहरों की, तो उनसे भी आप जो है तो रब्ता कायम कर सकते हैं और उनसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से, फ्यूचर के ताल्लुक से जो है तो अपनी राय आप ले सकते हैं। डॉक्टर इमरान अहमद खान के ताल्लुक से आपको कहूँगा कि सिल्लौर में जितने भी उर्दू मीडियम के जो कॉलेजेस हैं वहाँ PhD कोई नहीं है, ये PhD है डॉक्टर इमरान अहमद खान। और जब ये तकरीर करते हैं तो हम खुद भी जो है तो उनके आगे कुछ नहीं बोलते, यानी हम खुद उनको सुनने के लिए जो है तो बेचैन रहते हैं। तो ये ऐसी शख्सियत हमारे पास जो है तो जौहर के अंदर मौजूद है, साजिद सर है और बहुत सारे जूनियर टीचर्स है। चांद सर को तो अक्सर वक्तन फोक्तन आप हर स्टेज पे सुनते रहते हैं। तो जो कुछ टॉपिक आपको सिलेक्टेड टॉपिक हमने आपके सामने रखा है वो बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से रखा है। डॉक्टर इमरान अहमद खान साहब की तकरीर में आपको सुना है, हर चीज़ उन्होंने उस अपनी तकरीर के अंदर ले ली है कि कौन कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर हमको अमल करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और हम खुशकिस्मत है कि आप देखिए हर फील्ड में जौहर का स्टूडेंट मौजूद है, चाहे आप सिल्लौर के डॉक्टर्स देख लीजिए, एक बड़ी तादाद जौहर से वाबस्ता है। टीचर हजरात चाहे उधर नेशनल में लग रहे हो यहाँ हो, उनका ताल्लुक भी जौहर से ही है, इंजीनियर्स भी। तो हम खुशकिस्मत है इस बात से कि हम समाज को जो है तो ये देने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका हक है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सरपरस्त ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं आज अमीन साहब से कह रहा था कि हमने 1450 कार्ड दिए, दावतनामे कितने दिए, 1450। बहुत कीमती है आप लोग। अगर एक शख्स ये कह रहा है कि मैं आज से जो है तो मेरे बच्चों की तालीम के ऊपर रात में खासतौर पे ध्यान दूंगा तो हम कामयाब हो गए। आपको बुलाने में हमारा जो मकसद था उसमें हम कामयाब हो गए। अब आपसे गुजारिश यही है कि जब जब भी हम आपको बुलाएं, हमारा उसमें कोई जाति मकसद नहीं है, जाति मफाद नहीं है, ये बच्चों के आपके बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से ये राय मशवरा ये लिया जाता है। और
सर ने कहा, इमरान सर ने, कि सिर्फ इसी मौके पर ही नहीं बल्कि वक्तन फोक्तन जब जब भी आपको वक्त मिले आप आइए और आपके बच्चों की जो भी दुश्वारियाँ हैं उनके टीचर से आप मिलिए, हम आपको मौका फराहम करेंगे, टीचर बिल्कुल आपकी रहनुमाई सही रहनुमाई करेंगे। वक्त की किल्लत है, जब जब भी आपको दावत दी जाए आपको बुलाया जाए आप अकेले ना आते हुए, सर ने कहा है आप पांच पांच सरपरस्त को अपने साथ में लाइए ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ बच्चों का कुछ फायदा इसमें हो। और एक दूसरी चीज ये कि हर पहलू पर हम जो है तो तलबा तालिबात की नजर रखते हैं। वक्त कम है, चांसलर मुझे इशारे भी कर रहे हैं इधर से, लेकिन अजान से पहले मैं खत्म कर दूंगा। आपने देखा होगा कि जब बच्चे हमारे कैंपस में आते हैं या यहाँ से निकलते हैं, किसने किसने मुझे वहां रोड तक जाते हुए देखा है, देखा होगा किसी ने, बच्चों के पीछे जो है जो बाहर के जो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे नहीं, बाहर के जो बच्चे जो परेशान करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे टीचर हजरात वो रोड तक वहां तक मनसूबा गेट जो है वहां तक जाते हैं। बच्चे वो जो है वो भी हमारे अपने हमारे समाज के हैं, तो हमको अपनी कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां भी इस तरह के हालात हो रहे हैं उनको रोकना बहुत जरूरी है। आजकल के हालात आप देख रहे हैं कि बच्चे किधर जा रहे हैं, क्या क्या हालात दरपेश आ रहे हैं, तो हम अपनी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए तैयार है, जौहर की पूरी टीम तैयार है, आप लोगों को भी उसमें जो है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर आए हैं आपका मैं बहुत ही तहदिल से शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल हमको बनाया कि हमारी एक आवाज़ पे एक बड़ी तादाद यहाँ पर आप लोग आए हैं। इतना कहकर मैं अपने चंद अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह तशक्कुर के लिए मैं मुदर शेख शकील साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ आए और हमारे मेहमान का जो है तो रस्म शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कुछ एक बात आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ या रखना चाह रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरे दिल में वो खेल रही है बात कि मैं आपके सामने रखूँ। अक्सर मैं मेरे स्टाफ के सामने, मेरे दोस्तों के सामने बात रखता हूँ कि जैसे हाजी साहब ने कहा, अमीन हाजी साहब ने, कि आप बीज डालते हो और उसको भूल नहीं जाते बल्कि उसको सींचते हो, पानी देते हो, उसकी देख रेख करते हो। उसी तरह मैं अपना एक बचपन का वाकया आपके सामने, छोटा सा वाकया है, तो मेरे बचपन का जो मैं जहाँ पर मेरी ज़िंदगी बीती, जामा मस्जिद के पास मेरा मकान था, मैं बहुत छोटा था, शायद 7-8 साल की उम्र का होगा। तो मैं एक बात वहां पर मैंने गौर की, बहुत सारे लोग मेरी उम्र के होंगे वो जानते होंगे कि वहां पर एक अयूब भाई रहा करते थे, अयूब भाई बुजुर्ग आदमी थे, वहां पर एक दरगाह के पास रहते थे, बाबू भाई के वालिद, आप जानते होंगे बहुत सारे लोग। तो उनका एक काम था, वो काम उनका ये था कि वो जामा मस्जिद के पास आते और वहां पर आके रुक जाते। दरअसल वो बकरियां चराते थे और मैं ये देखता कि हर घर में से गालिबन हर घर में बकरियां हुआ करती थी, बकरियां मुर्गी आज भी है लेकिन उस वक्त ज्यादा हुआ करती थी, आज से 30-40 साल पहले। तो मैं गौर करता कि हर घर से कोई ना कोई एक बकरी, दो बकरी, चार बकरी, पांच बकरी ले गया। और सुबह सुबह का वक्त होता, हम वहां पर खेलते बच्चे, मैं गौर करता कि बकरियां लाते हैं, और जब शाम होती तो हर एक फर्द जो बकरिया वाला था, बकरिया वाला होता, वो हर एक फर्द हर बकरी को लेने आता। मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे हैं, प्यारे हैं, जो मैं गिनकर बता सकता हूँ कि वो गरीब है, मजदूर है, लेकिन बच्चे को लाकर भी छोड़ते और लेकर भी जाते, बहुत प्यारी बात है। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त हुआ कि एक पेरेंट्स आया और मुझे आवाज़ देकर कहा कि मेरे बच्चे को बुला दो, मेरे बच्चे को बुला दो। मैंने कहा ठीक है बुला देता हूँ, कौन सी क्लास में? उसने कहा छठी क्लास में। मैं छठी क्लास में गया, छठी ए, छठी बी, छठी सी, तीनों क्लास में जाकर ढूंढ लिया, वहां पर बच्चा नहीं मिला। तो मैंने पूछा छठी में नहीं है, सातवीं में होगा, बोले ठीक है। मैं सातवीं में ढूंढ लिया, सातवीं तीनों क्लास है, तीनों क्लास में ढूंढ मारा, नहीं मिला। तो मैंने आकर फिर पूछा, भाई वो सातवीं में भी नहीं है, हमारे पास ही है नेशनल में, नहीं बोले आपके पास ही जोहर में है ना, बोले तो ठीक है। मैंने सातवीं में, आठवीं में ढूंढ लिया, वो बच्चा नौवीं में निकला। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक पेरेंट्स, एक बाप, उसको ये पता नहीं है कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में, बड़े अफसोस की बात है। तो वो बकरियों की बात मेरे दिल में घर कर गई बचपन में ही, मैं 7-8-9 साल का था उस वक्त, मेरे दिल में घर कर गई कि ये कितनी प्यारी बात है कि दुनियावी फायदे के लिए बकरी क्या दूध का फायदा देगी, थोड़े पैसे देगी, बेचकर उसको थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा ये मुस्तकबिल है, हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मरने के बाद भी हमको दूध तो कम से कम बख्शेंगे, तालीम हासिल करेंगे। तो
बस यही एक बात मैं आपके सामने पेश कर रहा था। तो यहाँ पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, बहुत आपका शुक्रिया, और हमारे स्टाफ के लोगों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत चार दिन से तकरीबन आपको यहाँ पर बुलाने के लिए मेहनत चल रही थी। तकरीबन 1600-1700 बच्चे हमारे पास है और तकरीबन उतने ही कार्ड हमने छापे, उतने ही पहुँचाए, लेकिन बड़ी प्यारी बात है कि आप लोग आप जागरूक हैं, आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ासतौर से हमारे इसाक सर का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम लिया और सबको मौका दिया और मुझे भी मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी सदर साहब की इजाज़त से ये यहाँ प्रोग्राम खत्म होता है, मैं ऐलान करता हूँ।